हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी ने क्या कमाल किया है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है, यूपी ट्रिपल एससी ने कमाल कर दिया है। यूपी ट्रिपल एससी काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, आयोग जल्द से जल्द भर्तियों को पूरा करेगा। तो आयोग ने एक दिन में दो ऑफिशियल नोटिस जारी की है, उन नोटिस को देखेंगे। इसमें कहा गया है खाली बचे 171 पदों के लिए 1.5 गुना को मौका, प्रमाण पत्रों का मिलान 9 अगस्त से शुरू होगा, 284 अभ्यर्थियों को शामिल करने का फैसला। तो इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देख लेते हैं नोटिस को, देख लेते हैं इसे आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक मिनट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तीर्थी दल गोमती नगर। तो इसमें कहा गया है आयोग के विज्ञापन संख्या इतना, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विज्ञापित कनिष्ठ सहायक के कुल 1403 पदों पर चयन के अग्रिम कार्रवाई हेतु अहरकारी प्रकृति के टंकर ज्ञान गति के परीक्षण हेतु टंकर परीक्षा दिनांक 23 जून से दिनांक 28 जुलाई तक दो पालियों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में आयोजित की जा रही है। उक्त अंक परीक्षा में विभिन्न कारणों से अनुपस्थित तथा तिथि परिवर्तन के संबंध में उचित कारणों सहित आज दिनांक 27 जुलाई तक आयोग कार्यालय में प्रार्थना पत्र देने वाले अभ्यर्थियों के प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए आयोग द्वारा कुल 274 अभ्यर्थियों को दिनांक 29 जुलाई की प्रस्तावित टंक परीक्षा में सम्मिलित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। तो आगे कहा गया है उपरोक्त सूची से समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि इन अभ्यर्थियों की टंकर परीक्षा दिनांक 29 जुलाई को सूची में उल्लिखित पालियों के अनुसार प्रथम पाली 10 बजे से 1 बजे तक तथा द्वितीय पाली 2 बजे से 5 बजे में आयोजित की जाएगी। तो एक होगी 10 से 1 बजे तक और दूसरी पाली 2 से 5 बजे तक। संबंधित अभ्यर्थी पूर्व में निर्गत किए गए प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुँचना सुनिश्चित करें। तो देख लेते हैं आगे कहा गया है, सभी का डिटेल दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है, कैंडिडेट नाम दिया गया है, बैच संख्या, आपकी प्रथम पाली 10 बजे से 1 बजे तक। तो आप इसमें देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैप अपना नाम देख लीजिएगा। और बैच 2 2 से 5 बजे तक आपका रोल नंबर दिया गया है, कैंडिडेट का नाम दिया गया है। तो आप टेलीग्राम चैप पर जाकर पूरी तरह देख सकते हैं। एक नोटिस ये जारी की गई है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए। तो इसमें कहा गया है, देख लेते हैं, अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए घोषित उक्त परिणाम में सम्मिलित अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेख आदि परीक्षण दिनांक 16 मार्च से 20 मार्च तक आयोजित कार्यालय में आयोजित किया गया है। तो इसे भी आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आगे कहा गया है उप परीक्षण में अनुपस्थित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता आधा तो शैक्षा धारित न करने वाले तथा कतिपय कारणवश अवबंधित चिन्हित अभ्यर्थियों के सापेक्ष आयोग के निर्णय दिनांक 20 जुलाई के अनुपालन में श्रेणी 1.5 गुना अभ्यर्थी तथा समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए अर्हता अभिलेख आदि परीक्षण हेतु कुल 284 अभ्यर्थियों का अनुपूरक परिणाम आयोग की बैठक दिनांक 27 जुलाई को अनुमोदित किया गया है। तो अनुपूरक रिजल्ट जारी किया गया है। आगे कहा गया है अर्हता अभिलेख आदि परीक्षण हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की उक्त अनुपूरक सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है, अतः अर्हता अभिलेख आदि परीक्षण हेतु घोषित इस अनुपूरक सूची में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, चयन संबंधी अंतिम परिणाम यथा समय घोषित किया जाएगा। आगे कहा गया है सूची है कि दिनांक 16 मार्च 2021 से 20 मार्च 2021 तक आयोजित अर्हता अभिलेखादि परीक्षण में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों द्वारा
अनुपस्थिति का कारण सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के आधार पर एहतियाती परीक्षण हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसकी तिथि वेबसाइट पर पृथक से सूचित की जाएगी। तो इसे आप पूरी तरह टैली एप पर जाकर देख सकते हैं। तो देख लेते हैं आपका अनुपूरक सूची। अनारक्षित के लिए, एक मिनट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एक मिनट, कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ जारी किया गया है, तो ये कट ऑफ दिया गया है। लंबवत आरक्षण, तो इसको देख लेते हैं। अनारक्षित के लिए 29.25, अनुसूचित जाति के लिए 22.25, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 21.50। क्षेत्रीय आरक्षण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 17, विकलांग के लिए 12.50। तो ये आपका कट ऑफ दिया गया है। तो स्टूडेंट बहुत परेशान थे क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सी भर्तियां हैं। तो स्टूडेंट बहुत परेशान थे क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सी भर्तियां हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, और बहुत सी भर्तियां हैं जिनके रिजल्ट जारी होने हैं। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी काम अब तेजी से स्टार्ट हो गया है और जल्द से जल्द सभी भर्तियों को पूरा किया जाएगा। स्टूडेंट को परेशान नहीं होना है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पर स्टूडेंट का भरोसा नहीं है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी अपने बात से बहुत जल्दी मुकर जाता है। यूपी ट्रिपल एससी कई बार आश्वासन देता है, इसके बाद भी काम पूरा नहीं किया जाता है। तो आज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी दिया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, और नोटिस भी जारी की गई है, उसे आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उस नोटिस को मैंने कल ही टेलीग्राम चैनल पर डलवा दिया था। तो AGTA 2018 के स्टूडेंट भी ज्वाइनिंग को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि उनको भी आश्वासन दिया गया था कि ज्वाइनिंग 15 अगस्त तक करा दी जाएगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि 15 अगस्त तक AGTA 2018 की ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि अब थोड़ा लेट हो सकती है, 15 अगस्त से 30 अगस्त भी हो सकता है। इसलिए स्टूडेंट चाहते हैं कि एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया जाए। तो स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसकी रणनीति बन रही है कि AGTA 2018 ज्वाइनिंग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाए। तो यूपी ट्रिपल एससी के सभी स्टूडेंट को सपोर्ट करना होगा, सभी स्टूडेंट को सहयोग करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।